हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक लिमिट स्विच के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑन ऑफ वॉल के बारे में, उसके बारे में हमने देखा था कि उसमें तीन हमारे मेजर कंपोनेंट्स थे, लिमिट स्विच, सोलेनाइड वॉल और पोजिशनर। तो उसी का एक पार्ट हमारा जो है लिमिट स्विच, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि हमने डिफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, लिमिट स्विच इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ऑपरेटेड बाय अ फिजिकल फोर्स अप्लाइड टू इट बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डिफिनेशन से ये बहुत क्लियर है कि इसमें होता क्या है। ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जो करता क्या है कि कोई भी फिजिकल फोर्स को या फिजिकल चेंजेस को इसमें डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो है, जब वॉल हमारा ट्रेवल करेगा तो उस केस में होगा क्या कि वॉल जब ट्रेवल करेगा तो उसका जो है, जो ट्रेवलिंग होगा वो ट्रेवलिंग को जो है, मतलब एक फिजिकल, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो फिजिकल जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के थ्रू जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो लिमिट स्विच का काम होगा कि उस फिजिकल चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे और फिर एज अ फीडबैक वो हमारे कंट्रोल रूम को सिग्नल थ्रू सिग्नल पास करता है। तो बेसिक हमारे ऑन ऑफ वॉल में जो है लिमिट स्विच का यही रोल होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो भी ट्रेवल होता है उस ट्रेवल को कंट्रोल रूम में एज अ फीडबैक इन्फॉर्मेशन देना कि वाल का करंट स्टेटस क्या है। जो हमने अलग अगले लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज जनरली यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑन ऑफ वॉल, या नॉर्मली ऑन ऑफ वॉल के यूज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है थ्रू द फीडबैक ऑफ इस डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब इसका जो फीडबैक होता है वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इट कैन बी कन्फर्म द स्टेटस ऑफ वॉल। क्या किया जा सकता है, वाल के करंट स्टेटस के बारे में कंफर्म किया जा सकता है कि वाल का करंट स्टेटस क्या है। अगर लिमिट स्विच क्लोज कंडीशन में होगा तो दिखाएगा कि वाल क्लोज है, लिमिट स्विच ओपन कंडीशन में होगा तो दिखाएगा वाल ओपन है, आइदर इट इज ओपन और क्लोज कंडीशन, दैट्स ऑलरेडी वी डिस्कस। तो ये होता है लिमिट स्विच के ऐसे यूजेस तो बहुत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उस रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो बेसिकली लिमिट स्विच जो ऑन ऑफ वॉल में यूज किए जाते हैं, ये एज अ फीडबैक यूज किए जाते हैं। इसका जो है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे ये वॉल के फिजिकल मूवमेंट को जो है सिग्नल में कन्वर्ट करके और अपना पोजीशन, ये जब जैसे वॉल का पोजीशन चेंज हो जाता है तो ये अपना इंडिकेशन चेंज करता है और उसके रिस्पेक्ट में सीसीआर में, यानी कि कंट्रोल रूम में, कैसे सिग्नल को ट्रांसफर करता है और वहाँ स्टेटस हमारे चेंज होते हैं। अब दूसरा इसका टॉपिक होगा सोलेनाइड वाल्व, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसका जो है ट्रैवलिंग कैसे होता है वाल्व का और लिमिट स्विच कैसे अपना पोजीशन चेंज करता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए अभी वॉल का कंडीशन ओपन है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे ये लिमिट स्विच काम करता है। तो अभी वॉल का कमांड दिया, जैसे क्लोज का कमांड दिया, आपने देखा इंडिकेशन में यहाँ वॉल भी जो है आपका क्लोज हो गया। ऐसे ही हम जैसे वॉल में ट्रेवल होता है, सेम कंडीशन में हमारा क्या होता है, वो लिमिट स्विच का इंडिकेशन चेंज होता है और अपने उसी हिसाब में अपना जो है ये डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंट्रोल रूम को सेंड करता है।